अपनी सरकार बचाने के संकट से जूझ रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ पर सिख दंगों की तलवार लटक रही है। ऐसे में सिख दंगों की लड़ाई लड़ रहे सिख नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिरसा ने कहा 1984 के सिख दंगों में कत्लेआम के लिए कमलनाथ जेल जाएंगे। अगर मुख्यमंत्री कमलनाथ बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं तो उनकी लड़खड़ाती सरकार जमीन पर आ जाएगी, लेकिन वो बहुमत साबित भी कर दे तब भी मुसीबतें उनका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। इस राजनीतिक उठापटक के बीच कमलनाथ पर सिख नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने तीखा हमला बोला है और कहा है कि अब कमलनाथ की कुर्सी जाएगी और उसके बाद कमलनाथ सिख कत्लेआम के मामले में जेल भी जाएंगे। उनका कहना है इस मामले में कई पुख्ता सबूत कमलनाथ के खिलाफ हैं। कमलनाथ जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी से तो जाएगा ही, बड़ी जल्दी 1984 के सिख कत्लेआम में जेल में भी जाएगी। एसआईटी ने 601/84 एफआईआर जो कि तीन सिखों के कत्ल की एफआईआर है, जो जिसमें कमलनाथ सीधी तरह से इन्वॉल्व था, उसका सारा रिकॉर्ड सीज कर लिया है और उसके रिकॉर्ड के सीज करने के दौरान बड़े सनसनीखेज खुलासे सामने आए हैं। कमलनाथ का नजदीकी बसरू जो कि उसका मध्य प्रदेश से साथी है और उस वक्त उसके घर 34 नॉर्थ एवेन्यू में रुका हुआ था, बकायदा उसका एड्रेस उसमें मौजूद है, वो इस एफआईआर के अंदर मौजूद है। इस एफआईआर में छोटेलाल, इस एफआईआर में विष्णु जो कि कमलनाथ के घर पर रुके हुए हैं और उनका एड्रेस कमलनाथ के घर का एड्रेस है, ये सारे कागजात जो सामने एविडेंस आया है, ये बहुत पुख्ता एविडेंस है जिससे अब कमलनाथ का बचना नामुमकिन है। सिख दंगों के मामले में नानावटी आयोग और एसआईटी के पास ऑर्डर सीज हैं। इस ऑर्डर में तमाम ऐसी बातें हैं जो कमलनाथ को भविष्य में मुश्किल में डाल सकती हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ की लंगड़ी सरकार से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बैसाखियां छीनने का काम किया है। ऐसे में कमलनाथ सरकार लंबा चल पाए इसकी उम्मीद बहुत कम है। सिंधिया के बीजेपी में जाने से कांग्रेस में जबरिया हाशिए पर लाए गए नेताओं के सामने एक नया विकल्प सामने आ गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।